यहाँ मिर्ज़ापुर बस स्टैंड से हम जा रहे थे कानपुर के लिए। शीतला मंदिर से पहले जो है 1 किलोमीटर पहले वही जो है कुछ लोग आ गए गुम्मा पत्थर ले लेके डंडा लेके और वही जो है आगे से पीछे से चारों तरफ से घेर लिया। आगे पथरा हो रहा था, हम पहले से निकल गए हैं। थोड़ी दूर देखा पहले कि आगे जो है लड़के खड़े थे, उससे हमने करीब 500 मीटर पहले गाड़ी खड़ी कर लिया। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी अब इसको तुरंत नहीं तो घुमा सकते हैं, टाइम लगता है घुमाने में। जब तक हमने घुमाने के लिए कोशिश किया तब तक चारों तरफ से लड़के आ गए जो है गुम्मा पत्थर ले डंडा ले करके सारे शीशे तोड़ दिए सामने से। तो इसमें यात्री भी थे, करीब 40 यात्री थे। अच्छा, यात्रियों को क्या चोट आई है? किसी का गुम्मा लगा है, किसी के कांच टूट के लगा है, लेकिन सब डर की वजह से बेचारे सब अपने अपने घर निकल गए। मतलब किसी तरह का क्या नुकसान हुआ है? नुकसान यही हमारा हुआ कि हम संविदा के कर्मचारी हैं, विभाग इसमें हमारे वेतन से रिकवरी करेगा, वो तो मानेगा नहीं कुछ। जी, हम बताओ कहाँ जाएं? हम पुलिस गाड़ी नहीं वहाँ से हटा रहे थे तो पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर हावी हो रहा है, गाड़ी यहाँ से हटाइए, गाली गलौज कर रहे हैं, गाड़ी यहाँ से हटाइए, बस स्टैंड ले जाइए। आपको प्रशासन भी गाड़ी दे रही है? बिल्कुल, प्रशासन ने भी गाली दिया है जो है। संविधायक ग्रुप कर्मचारी हैं, हम क्या करेंगे बताओ, हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? हमारे तो बिल्कुल वही, हम तो ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। इधर आते तो परिवहन विभाग का अधिकारी हमें मारे दे रहा है। अभी इसमें कम से कम 1 लाख रुपये की रिकवरी बनाएंगे, हम कहाँ से भरेंगे 10,000 रुपये वेतन कमाने वाले? कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हमने पर्याप्त फोर्स और पर्याप्त ड्यूटियाँ लगा रखी है। अभी लगभग 10-15 मिनट पहले कुछ लड़के आए और उनमें से 1-2 पत्थर उन्होंने बस पे फेंके जिसपे किसी को चोट नहीं आई और हम तुरंत से मौके पे पहुँचे और उन लोगों को खदेड़ा है। और इसके अलावा कुछ अरेस्टिंग भी हमने यहाँ पर की है और मैं SP साहब और हमारे ADM एडिशनल SP और सभी लोग बिल्कुल पूरी फोर्स तैनात है और हम बिल्कुल यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई सिचुएशन अभी जिले में क्या है? अभी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस घटना को छोड़ दिया जाए जिसमें बस पे 1-2 पत्थर इन्होंने फेंके हैं और बस का शीशा जरूर टूटा है लेकिन किसी की कोई चोट नहीं आई है, तो और बाकी सभी लड़कों को खदेड़ दिया गया है, किसी प्रकार की अभी कोई शांति व्यवस्था। कितनी जगह सर चिन्हित की गई है? अगर मिर्ज़ापुर की बात करें, अलग अलग मिल रहे हैं इनपुट की कहाँ सर, कहाँ पे लड़के? देखिए ये अलग अलग जगह छोटे छोटे ग्रुपों में, जैसे जो गोरिल्ला प्रणाली होती है उस टाइप से हमको कुछ जगह से इनपुट मिले थे। नाम यहाँ पे पब्लिक करना ठीक नहीं है लेकिन हमने सभी उन जगह पे पर्याप्त फोर्स लगाई है और हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह की ड्यूटी लगी है, सभी जगह पे हम वॉच रखे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।